नमस्कार, मैं हूं सरिता राव और आप सभी का स्वागत है इस पे नए न्यूज़ में। जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले शो इश्क सुभान अल्लाह में अब एक बार फिर से दोनों भाइयों में लड़ाई नहीं प्यारा है। जी हां, उनके पिता अबू शहबाज ने कुशान और कबीर की मुलाकात करवा दी। उन दोनों के जितने भी गिले शिकवे थे उसको दूर कर दिया। अब कैसे किया ये तो आपको देखने पड़ेगा इस रिपोर्ट में। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। हेलो, यू नो फाइनली अबू जान ने मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करा दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अबू, अभी ये अबू की सोच के ऊपर बात उठती है कि माशाल्लाह उनकी सोच इतनी अच्छी है कि उन्होंने ये पहले से ही सोच के रखा था कि मेरा एक बेटा दीन की तरफ जाएगा, एक बेटा बिजनेस की तरफ। और लाजमी बात है, कभी कभार भाइयों में झगड़ा होता है। जिस माहौल में हम लोग दोनों थे कि हमारे बड़े भाई का बेटा अमान मदरसा जाएगा स्कूल, हम बहुत, सच कहें आपको, हम बहुत खुश हो गए थे कि अमान हमारी तरह मदरसा जाएगा। क्योंकि हम अभी भी कहते हैं कि मदरसा जाकर पढ़ाई वहाँ करने से आप ख़राब थोड़ी बनते, आपकी इंटेलेक्ट जो है वो कम थोड़ी होती है। हम अपने आप को नहीं मानते कि हमारा इंटेलेक्ट कम है, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद हमने कुछ चीज़ें नज़रअंदाज की हो। शायद एक्साइटमेंट में और ख़ुशी के तौर पे हम हमारे भाई को नहीं देख पाए। है, सच है कि हमें पहले उनसे पूछना था। झगड़े तो बहुत हुए थे। ये अबू की बात है कि माशाल्लाह ही सो स्मार्ट एंड सो पेशेंट के समझाया दोनों भाइयों को एंड फाइनली मिला दिया। चलिए, यहाँ पर तो सब कुछ शॉर्ट आउट हो, लेकिन अभी इसका सर ज़ारा पर दिखने वाला है ना, ज़ारा का लुक गरीबों वाला हो जाएगा वो। देखिए ज़ारा ज़ारा है, वो हमेशा उसका जवाब देने का तरीका अलग होता है। अगर कोई डिबेट हो रही हो तो वो सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकती, वो ऑलवेज़ उसका तरीका थोड़ा अलग सा होता है। और हम जानते हैं और हमने इस बात की तैयारी भी करके रखी है कि ज़ारा कुछ ना कुछ तो करने वाली है। अभी क्या करने वाली हमें देख रहे हैं। जब ज़ारा को आप देखेंगे ना, उनका लोग गरीब वाला लोग जो देखेंगे तो कबीर का रिएक्शन क्या होगा? मजाक हो रही है, यानी क्या समझाना चाह रही हो, क्या दिखाना चाह रही हो? तो इस हिसाब से तो हर इस दुनिया में कोई भी बेटा अपने बाप के पैसे पर जीना नहीं चाहिए ना, उसको क्यों लेते हो? फिर तुम अपने अम्मी के और अबू के पैसे से एजुकेशन क्यों करके आई, खुद के पैसे से करो। नहीं, अगर इतना ही है ना, तो फिर जो कपड़े तुमने पहने, तुमने काम किया, तुमने नौकरी की है, जो कपड़े तुम इतने शान से पहनते हो, जिस वो किया, तो तुम भी नहीं करो ना। हमें सबक सिखा रही हो कि हमारी औकात क्या है। यानी आने वाले दिनों में ज़ारा कबीर के बीच फिर बड़ी फाइट होने वाली है। ऑफ कोर्स, आप मेरे फैमिली के सामने मुझे मेरी औकात दिखा रहे हो। ये लफ्ज़ सी, हम आपको सच कहें, ये लफ्ज़ से ही हमें नफरत है। कबीर को भी नफरत है ना, अदनान को भी नफरत है, दोनों। एंड हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर इंसान को ये वर्ड इतना पसंद नहीं होगा। अगर आप कोई आपसे पूछे आप तुम्हारी औकात क्या है, मेरे को असली में अभी देखो गुस्सा रहा है, ये क्या है, ये सॉरी यार, थैंक यू सो मच, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ यार, थैंक यू। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से कुशान और कबीर एक दूसरे के हो चुके हैं, दोनों भाइयों में एक बार फिर से प्यार दिख रहा। अब ये प्यार कब तक चलेगा ये तो आने वाले शो में ही पता चलेगा, अपकमिंग ट्विस्ट में पता चलेगा। क्योंकि अगर जीनत को देखें तो जीनत आए दिन दोनों भाइयों में झगड़ा लगाने के लिए हर नाकाम कोशिश को करती ही रहती हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए स्पिन 9 न्यूज़।